देश के उस सूबे के चुनाव अब नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस सूबे की जिस पर देश की पूरी जनता की नजर रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के। चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बात की जाए आजाद समाज पार्टी की, तो आजाद समाज पार्टी लगातार जमीनी स्तर से चुनाव की तैयारियों में लगी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिए कि साइकिल यात्रा निकालनी है और यूपी के सभी जनपद में साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा 1 जुलाई से और 21 जुलाई तक चलेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। हमारे कार्यकर्ता हर गली, हर ब्लॉक, हर गांव, हर तहसील, हर विधानसभा, जिला, कस्बा सब जगह घूम रहे हैं और जन विरोधी नीतियाँ जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में रही उनको जनता के बीच लेके जा रहे हैं। और इसलिए लेके जा रहे हैं कि जनता फैसला करे कि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, इसने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को, गरीबों को, ये जो व्यापार करने वाले लोग हैं, मजदूरों को, इनको क्या दिया है। पिछले 5 साल में वो लोग आगे बढ़े, 4.5 साल में यहाँ पीछे हटे हैं। और मैं आगरा में हूँ, यहाँ का जो चमड़ा उद्योग है, जूता बनाने काम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज हालात देखिए, ट्रेनिंग सारी बंद हो गई है क्योंकि सरकार जो है चाहे एक तरफ तो चाइना का विरोध करती है, दूसरा चाइना का माल खरीद के जो है यहाँ सब चीज़ें चल रही है और यहाँ का एक बड़ा तबका, सारे यहाँ के कारखाने बंद हैं। तो मैं आज आगरा में आया हूँ, यहाँ के लोगों से यहाँ की समस्या जानेंगे और उनके निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। अभी हम लोग सरकार में नहीं, विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज़ उठाएंगे, उनकी लड़ाई को साझी लड़ाई बना के सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो फिर इन परेशानियों को जड़ से ख़त्म करेंगे कि जनता के हित में काम हो और जनता को एक अच्छी सरकार मिले। अब आप अपने चंद्रशेखर जी, जब पहले से बहुजन समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में नीले झंडे के साथ है, तो इस दल की जरूरत क्यों पड़ी? स्वर्णों की अपनी जो है कई कई पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप कभी उनसे भी ये सवाल पूछा कीजिए कि भाई उन्हें क्या जरूरत पड़ी नई नई पार्टियां बनाने की। हम अपना काम करें, लोकतंत्र सबको अधिकार है ना। जरूरत इसलिए है कि 12 में वो लोग सरकार नहीं बना पाए, 14 में नहीं बना पाए, 17 में नहीं बना पाए, 19 में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अब 22 आ गया, 22 के बाद कब तक जनता इंतजार करती रहेगी। ये लोकतंत्र है, सबको संवैधानिक अधिकार है, कोई पार्टी बनाए या अपना काम करे। भीम आर्मी 24 घंटे 7 दिन सड़क पे काम करती है भैया। आपको लगता है कि बहुजन मूवमेंट बेंजी के बैनर तले कमजोर पड़ा है? आप बताइए 12 में क्यों नहीं बनी सरकार, 17 में तब तो हम नहीं थे, 2000 नेक्स्ट सीएम के नारों से नहीं होता, सड़क पे मेहनत करनी पड़ती है, चुनाव के समय वोट मांगने जाने कुछ नहीं होता। कल सरोज पासी नाम के एक साथी की हत्या हुई है आजमगढ़ में और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वर्कर बारिश में धरने बैठे होते, अपनी मांग मनवा के उस परिवार को न्याय दिला। पूरे 5 साल लड़ाई लड़नी पड़ती है, हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे, जनता तय करेगी। अब जनता विकल्प है, जो अच्छा काम करेगा उनके मुद्दों पे, सिद्धांतों पे, उसको जनता सपोर्ट करे। विधानसभा चुनाव में आप गठबंधन के साथ जाएंगे या आजाद समाज पार्टी को अकेले? देखिए, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं भीम आजाद समाज पार्टी के और ये भीम आर्मी के, जो हमारे लीडर्स तय करेंगे हम उस पर काम करेंगे। मैं तो आजाद समाज पार्टी के साथ, आप अखिलेश जी के साथ आपकी मुलाकात हुई है कई, 3 बार आप उनसे? देखिए, लोकतंत्र में किसी से मिलना या किसी से बात करना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, इस समय चुनाव आ रहे हैं तो मिलना एक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके पास कोई ऐसा फोटो तो दिखाइएगा। मैं तो आपको सीधी बात कहता हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष के लोगों को इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा और कल जो देखा हमने, ये कट्टा बम जो है ये वहीं सुने थे बंगाल में, लेकिन ये तो यहाँ भी आ गए हैं। तो वहाँ जब बीजेपी के लोगों पे हमला होता था तो वो लोकतंत्र की हत्या थी, वो सत्ता का दुरुपयोग था। यहाँ जब कल यहाँ बहनों का चीरहरण हो रहा है, ये सत्ता के भूखे लोग, बीजेपी के लोग, जिनको महिला ये कहते हैं महिला बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और कल इनके गुंडे सरेआम महिलाओं को जो है यहाँ उनका चीरहरण कर रहे थे, तब कहाँ हुआ गया मुख्यमंत्री? तो ये नारे जो है ना, खोखले नारे, इससे काम नहीं चलेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। रोज बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है और ऐसी सरकार क्या फायदा इसमें होता है? कानून व्यवस्था कहाँ है उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और अगर जहाँ कहीं है तो बीजेपी के नेताओं के चौखट पे जो है कानून दम तोड़ चुका है, इसको वापस बनाना पड़ेगा अच्छा उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश को, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। प्रयास है कि आगरा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा ये तो बाद की बात, लड़ूंगा ये हमारी लीडरशिप तय करेगी।
जैसा हमारी यहाँ की यूनिट तय करेगी हम उस पर खड़े उतरेंगे। मैंने फिर कहा कि मैं आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। मुझे इन लोगों ने अभी आगे बढ़ाया, कल ये कहेंगे कुछ और काम कर लो तो वो भी करेंगे। तो आज यहाँ, कल मध्य प्रदेश जाएंगे, वहाँ आदिवासी पांच भाई परिवार की हत्या हुई पूरे की। तो इसलिए हमारा काम है काम करना और हम करेंगे। कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें ओबीसी पर काफी जोर दिया गया, ऐसे ओबीसी कॉम्बिनेशन को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, यार मान फैक्टर को तोड़ने के लिए क्या? यूपी में चुनाव तो इसलिए क्या तो सीमा पे तनाव होता है या मंत्रिमंडल का फेरबदल होता है, जनता तो देख रही है। 4.5 साल क्या दिया और ये झुंझुनू से जनता नहीं मानती है, उन नेताओं का भी जनता कितना भरोसा करती है आप देख लीजिए। तो उनके खेमे में बैठे गए लोग जनता क्या मदद करेंगे जब सरकार में पहले नहीं की 4.5 साल में, तो जनता जवाब देगी। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई जिसमें 6,000 दलित पिछड़ों के पद खा गई है बीजेपी सरकार। तो कौन सा नेता था जो लड़ाई लड़ रहा था? अगर अभ्यर्थी जा रहे हैं अपना हक मांगने के लिए तो लाठियां मिल रही हैं, नौजवानों को रोजगार कौन देगा? कोरोना काल में जो ये सारे ये बंद हो गए कारखाने, 1,000 रुपये मुख्यमंत्री देते हैं एक परिवार को, बड़े बड़े ढकोसले पीटते हैं प्रधानमंत्री भी, 1,000 रुपये से एक महीने में कितने लोगों का भोजन तैयार हो जाएगा? ये निकम्मापन जनता माफ नहीं करेगी। चंद्रशेखर जी, पिछले अब जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप मीडिया के लोग ही बता दें क्या 1,000 रुपये से एक आदमी एक महीने राशन खा लेगा? ये तो पूरे परिवार को दे रहे हैं, ये धोखा नहीं चलेगा। चंद्रशेखर जी, पिछले 14 सालों में 3 सरकारें आ रही हैं, आप बेस्ट सीएम, बेस्ट सरकार किसको मानते हैं बहन जी, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ? सब वो सब अपनी अपनी नजरों में अच्छे हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता तो पूछो कि बता देंगे। मुझे लगता है कि जब हमें मौका मिलेगा हम काम करके साबित करेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो भी दल शुरू हुआ था, देखिए अगर आप बात करेंगे तो मैं सच बता दूंगा आपको, जब बीएसपी स्टार्ट हुई थी ना DS4 के बाद 500 वोट एक एक विधानसभा में मिलते थे। तो जब कोई दल शुरू होता है तो उसको कोई छोटा बताता है, कोई बड़ा बताता है, कोई कुछ बताता है। मान्यवर काशीराम साहब को CIA का एजेंट कहा करते थे लोग। ये तो जो लोग सफलता नहीं बचा पा रहे वो आरोप लगा रहे। पंचायत चुनाव में भी तो जनता ने वोट दिया और हमने जब उपचुनाव लड़ा बुलंदशहर में तो हम 3rd नंबर पर रहे। तो जनता का समर्थन है, जनता बनाती जनता बिगाड़ देती है, कौन क्या है कौन किसका एजेंडे है तो जनता तय करेगी। मैं बहुजन समाज का एजेंट हूँ और बहुजन समाज के लिए अपना खून का एक कतरा लगा सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और कोई नेता देगा तो पिछले दिनों आपने एक चैनल पे कहा था कि जैसे आप अपने चंद्रशेखर रावण नाम लिखते थे, आपने कहा कि आप कोई रावण बोलेगा तो मैं FIR कराऊंगा, इसके पीछे ये तो मैंने 2 साल पहले भी कहा था। जो जिस चैनल देखे जिस तरह का चैनल होता है उस तरह की बात होती है। आप अच्छे लोग हैं, आपसे अच्छी बात हो रही है, नाम से कुछ नहीं होता काम से होता। आप मुझे मेरे नाम से जानते हैं काम से बताइए? नहीं, मैं आपके नाम से जानता हूँ, आपको काम से। हाँ तो अब काम से जानिए, आप नाम छोड़िए अब काम से जानिए, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ ये कोरोना में यहाँ जो हॉस्पिटलों में हुआ जितने लोग जान गई, ये मौत नहीं हत्या है, इसकी जिम्मेदार सरकार। अगर वो 1.5 साल में अच्छे हॉस्पिटल बनाती, आप 3 CMO के बारे में पूछ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल बने होते तो क्या ये हालात होती? मुझे किसी पे टिप्पणी नहीं करनी, मुझे लगता है हम ज्यादा अच्छा काम करेंगे और हम मैदान में 40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश साइकिल यात्रा निकाल के जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ। और उसके साथ 52% ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों और उसमें भी घोटालेबाजी क्यों? गरीबों को आज आगरा शहर में आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ताज नगरी के मुख्य मार्गों से साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा देखने के लिए व चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए काफी तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। नजारा ऐसा था कि आप भी देखकर हैरान रह जाते, जहां देखिए वहां आवाज यही आ रही थी, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं बात की जाए महानगर अध्यक्ष राजू अंसारी की, तो आजाद समाज पार्टी से राजू अंसारी आगरा महानगर अध्यक्ष हैं। राजू अंसारी ने कम से कम समय में महानगर के कार्यकर्ताओं के दिल में अपनी जगह बनाई, वे जनता के दिल में भी बस गए हैं। 2022 के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लग गई हैं, वहीं सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और देखा जाए सभी पार्टियां लगातार तैयारियों में हैं। और यहां बात की जाए आजाद समाज पार्टी की, तो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी लगातार तैयारियों में लगी हुई है और सभी जनपदों में रैलियां निकाली जा रही हैं और दौरे किए जा रहे हैं ताकि टीम को मजबूत किया जाए और इस बार 2022 के चुनाव में अच्छा परफॉर्मर देने के लिए यहाँ पूरी तरह लगातार टीम लगी हुई है। और हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजू अंसारी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ रैली निकाली जा रही है, उनसे जानकारी लेते हैं।
राजू, जिस समय रैली निकाली जा रही है सभी जनपदों में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से ये रैली निकाली जा रही है, तो आज कहाँ कहाँ रैली निकाली जाएगी? ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी आजाद के निर्देश अनुसार 1 जुलाई से लेके और 21 जुलाई तक पूरे प्रदेश की 403 विधानसभाओं पे साइकिल यात्रा चल रही है। आज हमारी साइकिल यात्रा जो है 9 तारीख को गई, आज 9 दिन हो गए हमें पूरे बरकरार, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी साइकिल चल रही है। हमारे भाई मंडल लगातार जा रहे हैं। आज हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद आगरा आए हुए हैं, जिस तरीके से ये प्रोग्राम है यहाँ से बुद्ध बिहार से लेके आपके ओलिया रोड से आपके ये ओलिया रोड से आपके काजीपाड़े से बिजली घर से सीधा होते हुए आपके मंडोला सदर भट्टी से होके सीधा कलटरी से सुंदरपाड़ा और सुंदरपाड़े से सीधा जो जाएगी वो क्या नाम है रामनगर की पुलिया, और जो समापन होगा वो होगा आपके आज क्या नाम है प्रतिनाथ फाटक पे माँ महानगर की ओर से चलेंगे। चलिए, जिस तरह लगातार सभी जनपदों में लगातार दौरे चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी, और 2022 के चुनाव के लिए भी पूरी तरह कमर कस ली आजाद समाज पार्टी ने, तो आज ये दौरे का क्या विपक्ष के लिए इशारा है? ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है तो क्या विपक्ष के लिए इशारा है आपकी पार्टी की? देखिए, विपक्ष तो आप देख ही रहे होंगे, इस टाइम खुली गुंडाई है भारतीय जनता पार्टी की। अभी देखने को मिल, आपने हाल ही में देखा होगा, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि सीतापुर के अंदर कितना भीषण जो है इन्होंने गुंडाई कर दी है, ब्लॉक प्रत्याशियों के जो है पर्चे लेके फाड़ दिए हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, और आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर जी के आधार निर्देश अनुसार इस जंगल राज को हमें ख़त्म करना है। इस प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ साहब के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पूरी तरीके से तैयार बैठी है भाई चंद्रशेखर जी के हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2022 में आप देख लीजिएगा, अगर सरकार बनेगी तो भाई चंद्रशेखर जी के माध्यम से बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। चलिए, और भी यहाँ कार्यकर्ताओं से जानकारी लेते हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है आप? मेरा नाम महानगर उपाध्यक्ष आदिल अली है। कहाँ रैली निकाली जाए? आज यहाँ पर हमने रैली का जो प्रोग्राम करा है भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रैली को सफल बनाने के लिए, बिजली घर से बुद्ध बिहार से जो रैली निकलेगी, मंटोले से सुंदरपाड़े से रामनगर की पुलिया, और समापन जो होगा वो सागन पृथ्वीनाथ पाठक पे समापन होगा। महानगर की टीम का स्वागत होगा। मेरा नाम अरुण भारती, महानगर प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आगरा। आज रैली निकाली जा रही है, कहां रैली निकाली जाएगी? ये हमारा बुद्ध बिहार चक्की पाठ से शुभारम्भ होगा, यहाँ से होते हुए मंटोला ढोली खार होते हुए और ये सदर भट्टी होते हुए सुंदरपाड़ा डिग्गी और भोगीपुरा और ये रामनगर और शंकरगढ़ की पुलिया पे होते हुए और प्रतिनाथ फाटक पे महानगर का जो मंच लग रहा है वहाँ पर समापन होगा इस रैली का। अच्छा अंसारी जी, ये बताइए, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख नेता और आज आपके साथ कार्यकर्ताओं के साथ और आज रैली मैं शामिल होंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद आज हम लोगों के बीच में आन के हमारा उत्साह वर्जन कर रहा है। आज साइकिल यात्रा भाई चंद्रशेखर जी जो है पूरी गंभीरता से पूरे हमारे सारे कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर ये जो नारा दिया है भाई ने, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, इसको भरपूर जमी अमली जामा पहनाने के उसमें आज संपन्न होगी जी आगरा में। देखिए, यहाँ साइकिल यात्रा जो निकल रही है और साइकिल पर मौजूद हैं किस तरह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जो हमेशा दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलितों ने अन्य वर्गों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, और भी यहाँ साइकिल यात्रा निकल रही है, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रंजीत सिंह सोनी है और मैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और अपनी पार्टी के प्रमुख नेता के साथ आप
पूरे आगरा शहर में और साइकिल यात्रा पर रहेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको ये इतना बढ़िया मौका मिला है कि इससे हमारे पूरे देश में और यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए हमारे युवा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो खड़े हुए हैं एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको सब खत्म करने के लिए अधिकारों को दिलाने के लिए आज हम उनके साथ जो खड़े हैं इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और इस पार्टी को इनकी इस पार्टी द्वारा ही इसके अलावा सत्ता आएगी। देखिए यहाँ काफ़ी भारी तादाद में यहाँ लोग हर पॉइंट पे मिलेंगे और रैली जो निकाली जा रही है और यहाँ बात की जाए महानगर अध्यक्ष राजू अंसारी का काफ़ी सहयोग दिख रहा है और लगातार ये देखिए जिस तरह ये पोस्टर में भी आप देखेंगे कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद और यहाँ राजू अंसारी और एक बहुत ही सराहनीय कार्य दिख रहा है पार्टी के लिए पूरे जमीनी स्तर से और मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। यहीं उत्तर प्रदेश प्रभारी भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और यहीं अब देखने वाली बात होगी कि इन साइकिल रैलियों से आखिर क्या रिजल्ट आता है और आखिर 2022 में जनता किसको कितना साथ देती है। अपने सहयोगी आमिन अली के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम मिट्टी न्यूज, आगरा। उनके कार्यों की काफी प्रशंसा हो रही है। पार्टी के यूपी प्रभारी सुनील कुमार चित्तौड़ व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। राजू अंसारी जमीनी स्तर से पार्टी के लिए मेहनत करने में लगे हैं। आजाद समाज पार्टी के इन जमीनी स्तर से हो रही तैयारियों को देखते हुए विपक्ष की टेंशन बढ़ती दिख रही है। आगरा से आमीन अली के साथ विवेक डोगरा की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।